सूर्य उपासना का पर्व छठ पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। छठ पूजा के लिए मंगलवार को खरना के प्रसाद बांटकर पूजा के सफलता की कामना की गई। शाम को छठी माता को लगाए गए भोग प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ। उपासकों के साथ परिजन ने बुधवार को छठ घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। पूजा विधान करने वाले परिवारों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए निगम प्रशासन के साथ पूर्वांचल वासी व नजदीकी वार्ड पार्षदों द्वारा ढेंगू नाला छठ घाट में व्यवस्था की गई। बुधवारी व मुड़ापार बाजार में पूजन सामग्री फल फूल खरीदने परिजन जुटे रहे। शाम के समय अपने अपने घरों में गुड़ की खीर, चावल, रोटी, केला व नैवेद्य को केले के पत्ते पर रखकर छठी माता को भोग लगाया गया। छठी माता को लगाए गए भोग खरना को व्रतधारी ग्रहण कर निर्जला उपवास शुरू की, जो बुधवार की शाम डूबते व गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पूर्ण होगा। अभी हमारे पूर्वांचल समाज के भाइयों द्वारा सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। हमारी माताएं बहने 36 घंटे का उपवास रखी हुई है और अभी तक निर्जला उपवास है लोगों का। कल सूर्य को अर्घ देने के बाद ही वो लोग उपवास तोड़ेंगे। उसी तौर पर हमारे वार्ड बारह में खुशी है कि हमारी पूर्वांचल समाज के सभी लोग एकत्रित हैं और हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार को मना रहे हैं। इसीलिए आज मुड़ापार तालाब के दोनों घाट में बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की हमारे पूर्वांचल समाज के लोगों को तकलीफ ना हो। आज हम लोग शाम के अर्घ देंगे, घर में जा करके फिर कोसी भरेंगे, फिर पूजा करेंगे घर में, रात को जागरण करेंगे और फिर सूर्य घाट पर फिर आएंगे। तो ये कोरोना काल के वजह से हम लोग बहुत अच्छे से छठ पूजा नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार माँ छठी मैया की कृपा से, शिव भगवान की कृपा से कोरोना हमारे देश से चला गया है, लगभग चला गया है। और इस बार की छठी मैया की कृपा रहेगी तो आगे फिर से ऐसा कोई महामारी हमारे देश में नहीं आएगा, कामना करते हैं। और इस बार पहले भी हम लोग मनाए हैं, लेकिन तो धूमधाम से नहीं मनाते थे, थोड़े डरे हुए थे, डर करके प्रोटोकॉल्स को पालन कर करके हम लोगों ने 2 साल से छठ पूजा मनाया। लेकिन इस बार हम लोग पूरे श्रद्धा के साथ, खुशी भी है कि हमारे यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो चुके, लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और कामना करते हैं कि सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ये आज हम लोग एक विशेषता ये है कि हम लोग डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते, सब कोई उगता हुआ सूरज की पूजा करता है, लेकिन ये छठ पूजा ऐसा विशेषता है कि इसमें डूबते हुए सूरज को पहले पूजा, फिर उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं। ये एक सब इंसान के सबक भी है कि सूरज को भी, और ये प्रकृति की पूजा है, जिसमें प्रकृति से संबंधित चीज़ों का ही पूजा पाठ हम लोग करते हैं। और इसमें फल मूल जो भी सीजन का फल जो है उसको करते हैं, गंगा माता की पूजा करते हैं। मीडिया फुल सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।